कांग्रेस के वाकई में बेहद बुरे दिन चल रहे हैं। दरअसल गुजरात के युवा कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के इस्तीफे की चर्चा शांत भी नहीं हुई कि कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चलें कि पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि जाखड़ ने कुछ दिन पहले ही अनुशासनहीनता का नोटिस मिलने पर कांग्रेस छोड़ दी थी। हैरानी की बात तो ये है कि जाखड़ का परिवार करीब 50 साल से कांग्रेस में रहा है। इस वक्त उनकी तीसरी पीढ़ी से भतीजे संदीप जाखड़ कांग्रेस के विधायक बने हैं। भाजपा ज्वाइन करने के बाद जाखड़ ने कहा कि 1972 से लेकर 2022 तक हर अच्छे बुरे समय में हमारा परिवार 50 साल तक कांग्रेस के साथ रहा। जाखड़ ने यह भी कहा कि मैंने कभी राजनीति को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि अब सुनील जाखड़ को पंजाब बीजेपी में कौन से पद से नवाजा जाता है।